हेयर ऑयलिंग एक हेयर केयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट लाइक वेरी क्रुशल पार्ट लेकिन जब भी आप हेयर ऑयलिंग करने बैठते हैं तो आपका हेयर फॉल हो जाता है तो आप ध्यान दीजिए क्या आप ऐसी कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे जो कि आपको हेयर फॉल की तरफ लेके जा रही हैं। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप हेयर ऑयलिंग के दौरान करते हैं जिसकी वजह से आपको हेयरफॉल ज्यादा हो जाता है से really आप सभी रह का भी आप देख सकते हैं हेयर ऑयलिंग के बारे में और कैसे मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है सी हेयर फॉल जीरो हेयर फॉल समथिंग दट यू कैन नेवर अचीव क्यूंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपके पुराने बाल टूटते हैं और नए बाल आते हैं ये नेचर ने ही एक रिवाइवल का प्रोसेस बनाया लेकिन ऑयलिंग के टाइम पे आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी जो कि आप अगर अवॉइड करें तो आपको हेयर ऑयलिंग में उतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं होगा बल्कि हेयर ऑयलिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से आपका स्कैल्प और आपके बाल दोनों ही उठा पाएंगे बेसिकली मिस्टेक नंबर वन लिविंग ऑयल ऑन योर स्कैल्प फॉर टू लॉन्ग अगर आप बहुत टाइम तक अपना जो ऑयल है अपने स्कैल्प में रखते हैं तो वो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है क्यों अगर आप बहुत देर तक हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प में रखते हैं और आप बाहर चले जाते हैं तो जितनी भी डर्ट और पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी क्योंकि आपका स्कैल्प पूरा स्टिकी है आपके बालों के साथ साथ तो उतनी ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगी अट्रैक्ट करेंगी और जिसकी वजह से आपके स्कैल्प के पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो सकते हैं स्कैल्प के पोर्स क्लॉग होना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का शुरुआत होना आपके हेयर ग्रोथ के लिए तो फिर मॉडरेट टाइम है क्या मतलब कितने टाइम तक हम ऑयल को अप्लाई करके रखें अगर आप उसे दो से तीन घंटे अप्लाई करके रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है अगर उससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम ओवरनाइट उससे ज्यादा आपको नहीं रखने की जरूरत पॉइंट नंबर टू रबिंग रिग्रसली वाई यू आर डूइंग द मसाज तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम मसाज करेंगे बहुत तेज, तेज तेज तो हो सकता है हमें बहुत अच्छे से पेनेट्रेट हो जाएगा ऑयल बट ऐसा नहीं होता अगर आपको ऑयल पेनेट्रेट करना है अपने स्कैल्प में तो हल्के हाथ से जो सर्कुलर मसाज है आपके स्कैल्प की दैट विल डू द जॉब आपको बहुत तेज उसको रब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ज्यादा तेज रब करेंगे तो आपके जो स्ट्रैंड्स हैं ऑब्वियसली आपके स्कैल्प में यहाँ से आपके स्टैंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं तो जब आप स्कैल्प की मसाज बहुत तेज तेज करते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो सकता है सो अवॉइड डूइंग दैट स्टेक नंबर थ्री अप्लाइंग टू मच ऑयल कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अच्छा यार ये ऑयल मेरे बालों के लिए अच्छा है तो ठीक है पूरी बॉटल डाल दो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता ये एक्जेजरेशन है एक थोड़ा फन के लिए मैंने बोला लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये अच्छा है तो हम इसे ज्यादा ज्यादा यूज करें बट But... एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज नॉट गुड राइट तो किसी भी चीज़ को वो आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा आपको अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं अपने स्कैल्प में जो आपका स्कैल्प का एक स्टैंडर्ड ऑयल बैलेंस है उसको मेंटेन करने का वो थोड़ा बहुत इनबैलेंस्ड हो जाता है अपने स्कैल्प को ओवरलोड मत कीजिए ऑयल से तो अगर आपको ऑयलिंग करनी है ऑयलिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ऑयलिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव है आपके स्कैल्प के लिए आप उसे जरूर यूज़ कीजिए बट अगेन इसमें एक स्टैंडर्ड और एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपके स्कैल्प को कितना ऑयल चाहिए ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपके स्कैल्प की टेंडेंसी ऑयल को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा होगी अगर आपका स्कैल्प एक ऑयली स्कैल्प है तो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल आप अप्लाई कर रहे हैं दो चम्मच तो बहुत है आपके स्कैल्प के लिए और अगर हम बात करते हैं आपके हेयर में अप्लाई करने के लिए तो भी वो वेरी करता है किसी किसी के बहुत ज्यादा फाइन हेयर होते हैं जैसे कि मेरा फाइन हेयर हम किसे कहते हैं जैसे कि एक बाल ओवरऑल डेंसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन जो एक बाल है दैट इज वेरी फाइन मतलब बहुत ज्यादा पतला तो इस तरह के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि वो पतले हैं लाइक वन स्ट्रैंड इज वेरी पतला जो लोग होते हैं जिनके बाल मोटे होते हैं मतलब ओवरऑल डेंसिटी जो भी है लेकिन एक बाल मोटा होता है उनका एक लाइक सिंगल स्टैंड इज वेरी मोटा इंडिविजुअली तो उस तरह के जो बाल होते हैं वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो आप अपने स्कैल्प और बालों की टाइप और पैटर्न के हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनको ओवरलोड बहुत ज़्यादा चिपचिप करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टेक नंबर फोर नॉट डिटैंगिंग योर हेयर बिफोर ऑयलिंग अगर आप सीधे ही ऑयल मसाज करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है उसकी वजह से आपके बाल पहले ही एक उलझी हुई स्टेट में हैं पहले ही उलझे हुए हैं और उसके बाद आप उसमें ऑयलिंग भी कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़े और उलझ जाते हैं और उसके बाद जब उन्हें रिटेंगल करते हो तो आपको मिलता है हेयर फॉल एंड हेयर फॉल तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल करना है उसके बाद ही ऑयल का एप्लीकेशन करना है डिटेंगल करने का सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा अच्छा हैक ये है कि आप नीचे से लेकर ऊपर की तरफ डिटेंगल करें ऐसा करने से क्या होता है अगर आप ऊपर से लेकर नीचे करेंगे तो आपके पूरा जो स्टैंड्स हैं लाइक फ्रॉम द रूट्स टिल दी एंड्स वो ज्यादा एक लंबा रास्ता आपको कवर करना है राइट right? बट अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो छोटा रास्ता आपको कवर करना है तो ये वाला पार्ट हमने पहले कर दिया डिटेंगल फिर हमने ये वाला पार्ट डिटेंगल कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो ये ज्यादा ईजी भी होता है और इसमें टैंगलिंग नहीं होती उतनी मिस्टेक नंबर फाइव वॉशिंग योर हेयर इमीडिएटली आफ्टर द हेयर ऑयलिंग कुछ लोग क्या सोचते हैं हेयर ऑयलिंग को एक जस्ट एक प्रोटेक्टेंट लेयर के तौर पे यूज़ करते हैं मतलब कि हम डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करेंगे तो पहले ऑयलिंग कर ली पाँच मिनट में हम फिर से चले गए हेड बाथ लेने ऐसा नहीं कर ऑयलिंग के मेथड में पहले से जो आपके बालों के रूट्स हैं उन्होंने एक तरह से एक एक्सरसाइज हुई है उनकी एक तरह से उन्होंने एक वर्कआउट कर लिया है आप ये बोल सकते हो तो वो पहले से टायर्ड हैं और एक रिलैक्स स्टेट में हैं क्योंकि उन्होंने पहले से वर्कआउट कर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ तो वो एक रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं फिर उसके बाद आप उन्हें एक और फोर्स दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स थ्रू शैम्पूंग इमीडिएटली आफ्टर दैट दैट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस तो, तो आइडियल टाइम होना चाहिए कि दो से तीन घंटे आप जरूर वेट करें और उसके बाद ही ऑयलिंग के बाद शैम्पू करें वन मोर पॉइंट जब भी आप अपने स्टैंड में ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो उसे बहुत तेज रब नहीं करना क्योंकि जब भी हम अपने स्टैंड को एक मिनट जब भी हम अपने स्ट्रेंड्स को ऐसे रब करते हैं तो अगेन फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से हमें ब्रेकेज हो सकता है या जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है सो so, आपको क्या करना है आपको अपने स्ट्रेंड्स को लेना है और उनको ऐसे से प्रेस कर करके ही अपने ऑयल का एप्लीकेशन अपने स्ट्रेंड्स में करना है दैट्स दी हेल्दीएस्ट थिंग टू डू और बहुत ही ज़्यादा केयर करके अपने बालों को टच कीजिए आपके बाल खुश रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे तो ऐसे आराम से प्रेस कर करके आप अपने बालों में उसका एप्लीकेशन कीजिए ऑयल का आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा और कोई पॉइंट था हाँ एक और पॉइंट ये था कि जब भी आप बालों को आपने ऑयलिंग कर ली आपने ऑयलिंग कर ली क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने मिस किए थे और इसलिए मुझे था कि मुझे एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मुझे लगता है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को सब कुछ बताया लाइक लिटरली like, सब कुछ बताया सो so, इस वाले पॉइंट में ये है कि जब भी आप, ने ऑयलिंग कर ली उसके बाद हम क्या करते हैं पता है ऑयलिंग के बाद लग जाते हैं फिर से डिटेंगल करने में ऐसा नहीं करना आपको फिर से वेट करना है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपका स्कैल्प जो है वो रिलैक्सड मूड में है सो so उसको थोड़ा सा टाइम दो उसके भी कुछ तो ब्रेक होना चाहिए ना राइट जैसे हम लोगों का ब्रेक होता है ऑफिस में या स्कूल में कॉलेज में उसको भी ब्रेक चाहिए तो आप वेट करो एटलीस्ट फॉर टेन फिफ्टीन मिनट्स टू पास बाय अब उसके बाद ही अपने स्टैंडस को आप डिटेंगल करो सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टूडे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और फैला दो इस वीडियो को भी जितने लोगों को आप जानते हो जिनको हेयर केयर और स्किन केयर में इंटरेस्ट है उनसे आप जरूर शेयर कीजिए और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल देन बाय